इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है, पास का पढ़ने में, दूर देखने में? वही तो, पहले तो भाई इधर जब आए तो कुछ भी नहीं लगता था, रात को तो बहुत समस्या होती थी। हाँ। अभी तो रात में मैं अकेला इधर से होटल तक भी अकेले जाता हूँ, अकेला आता हूँ। तो पास का आप कुछ पढ़ सकते थे उस समय? पास का एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते, नहीं, बोर्ड पे था, है ना। हाँ। तो वो आप कितने लाइन पढ़ने लगे? अभी चार लाइन पढ़ने लगे। चार लाइन आपको दिखने लगी? दिखने लगी, है ना। और पेरिफेरल विजन में आपका क्या फर्क लगा आपको? वो तो टोटली कम्प्लीटली ऐसा कि after each and every achievement, what I have to say is like I am 2 years younger rather than before. दो साल पुराने स्थिति में आप पहुंच गए, आपकी आंखें दो साल पुराने, आप महसूस कर रहे हैं कि अब मैं इतना अच्छे से देख सकता हूँ, है ना। तो शुरू में जब आप आए थे तो आपकी ये जो पेरिफेरल चार्टिंग थी तो फील्ड ऑफ विजन आपका काफी सुखड़ा हुआ था जी, है ना जी। वो आप बढ़ना शुरू हो गया, तो करीब 6-7 इंच का जो फील्ड ऑफ विजन था वो आज 15 और 18 इंच तक पहुंच गया। ठीक, तो उसमें दवा भी है और मेरा जो आपने एक्सरसाइज भी, हाँ, सब कर कर गए, सब आप करने के बाद आपको काफी अच्छी, एवरीथिंग एज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। और आपको यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता है परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। हाँ प्रेम जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम नेपाल। नेपाल कलर ब्लाइंडनेस भी एक बीमारी थी साथ में, आपको मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेरा रेटिनाइटिस फाइनेंटोसा, है ना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ आपको, और मेरा रेटुला भी था, मैकुलर डिजनरेशन था, मैकुलर डिजनरेशन था। और तीसरा, ये तीन तो मैंने पता लगाया था नेपाल पे और दूसरा मुल्क में, लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस मेरे को पता नहीं था, वो भी इधर आके पढ़ा कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस भी है। कलर, अभी तो कलर ब्लाइंडनेस में तो पढ़ सकता हूँ, पहले तो मैंने 1-12 पढ़ी थी, अभी मैं 24 आराम से पढ़ता हूँ और 4 में थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ। तो आप जब आए थे तो पहले दिन एक दिखती थी, सिर्फ एक ही दिखी थी, 12 है ना। और वो आज बढ़ के कितनी पहुंच गई है? अभी 24 इजीली, वो स्केल होती है ना, वही जाने वाला रास्ता, वो आराम से 4 में थोड़ा कंफ्यूज होती है, 4 में कंफ्यूजन। चलिए बधाई हो। तो आपका हर चीज में, हर बीमारी में जो दुनिया में असाध्य कही जाती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस, मैक्युलर डिजेनरेशन, और साथ में आपको एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया मतलब चश्मे का नंबर कुछ भी लगा आपकी रोशनी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ती है, है ना। तो आप वर्षों से कोशिश किए, नेपाल में भी कोशिश करे, दूसरी जगह भी कोशिश करे कि आपको चश्मा लग जाए, उससे ही कुछ दिखने लगे, मगर नजर चेंजेस नहीं आती थी। ठीक, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप इतना कुछ लेके जा रहे हैं। तो आप दुनिया के लोगों से या इस तरह की बीमारी से ग्रसित पेशेंटों को, जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, मैक्युलर डिजेनरेशन है, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो इस तरह के पेशेंट जो दुनिया में सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या उन सभी को इन बीमारियों से निजात मिल सकती है डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ? आपको क्या क्या फर्क महसूस हो रहा है अभी का जो कंक्लूजन है? अगर आप इधर आके डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आके थोड़ा उपचार करके ये खुली अर्थ दिख सकता है तो क्यों ना, प्लीज यू कैन कम हियर, आप आ सकते हो और इलाज कर सकते हो। तो मैं 100% गारंटी हूँ, मेरा हो गई। तो आपकी कौन कौन सी बीमारियां खत्म सी लग रही हैं या उसमें फर्क आपको लग रहा है? अभी तो यही, मैं दिखता नहीं था, अभी दिखने लगा। तो एक तो मेरा सबसे बड़ी बात वही, अभी तक मैं सोचना भी नहीं सकता था कि 2 साल आगे मैं ड्राइविंग करता था, अभी मैं नेपाल जाके फिर ड्राइविंग करता हूँ, कर पाएंगे, है ना। दूसरी चीज आपको ये लगा कि आपका मतलब जो बीमारियां थी, मैक्युलर डिजनरेशन किसी भी व्यक्ति का ठीक हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, वर्ल्ड में किसी ने नहीं करा, सुना नहीं, लेकिन आपको उस चीज का फायदा मिल गया, मिला है, आपका मैक्युलर डिजनरेशन कम हुआ। दूसरा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का भी आपने इलाज नहीं किया था कभी, आप जगह पूछा था। आपके नेपाल में कौन है एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर का नाम आप बता रहे थे? कोई डॉक्टर संदीप रोहित, डॉक्टर साहब ने भी आपको क्या कहा था? डॉक्टर संदीप ने भी कहा था कि इसका वो नहीं, एक कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार। डॉक्टर रीता गुरुंग है, वो रेटिना का वो सबसे बड़ी डॉक्टर है। हाँ। वो भी बोलती थी वो तुम्हारा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हाँ। हो सकता है।
और आपको कंफर्म करने के लिए भी मैं उन्होंने बात करके ही इधर आया। हाँ, तो अभी कंफर्म हुआ, अभी मैं इधर ये रिपोर्ट लेके जाके उनको दिखाता हूँ। हाँ, तो उनको भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब ये है, इधर उज्जैन में कुछ होता है। भारत में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में कुछ ना कुछ होता है, इस बीमारी का इलाज होता है और उसमें व्यक्तियों को फायदा हो रहा है, हो रहा है, है ना। तो इस तरह के और दूसरे पेशेंट से भी आप मिले जिनको फायदा हो चुका है? बहुत मिला इधर, इधर आया तो जो पहले पहले आके 3 महीने करके गया, बोलता था कोई कोई बोलता था हफ्ते हफ्ते दिन आ रहे, इंदौर का एक बंदा है वो 3-3 दिन में आके करता है। तो वो टोटली क्योर की तरफ पहुंच चुके हैं, हो चुके हैं, फिर भी उनको कॉन्फिडेंट ज्यादा करने के लिए वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब टोटली क्योर हो गए हैं। एग्जाम के पहले वो चाहते हैं कि पहले जब मैं इधर आया था तो ये चश्मे बगैर मैं नहीं चल पाता था। अच्छा अच्छा, अभी मेरे को ये चश्मे की जरूरत ही नहीं, जितना धूप में भी हो, ये ब्लैक चश्मे के बिना चश्मे चल नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, है ना। और ये चश्मे दिए ऐसे ही मेरे को कंफर्टेबल के लिए, कंफर्टेबल, लेकिन मैं पहनता हूँ नहीं पहनता हूँ कुछ महसूस नहीं, कोई महसूस नहीं होता। तो बधाई हो आपको। तो इस तरह के कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से पीड़ित हो या मैक्युलर डिजेनरेशन से या कलर ब्लाइंडनेस से, है ना, तो जिसकी भी जिंदगी में कुछ भी बाधा हो, जहाँ पे कहा जाता है कि विश्व की असाध्य बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, उनमें भी डॉक्टर ऋषभ जैन, हाँ पूरा बोलो, इसमें भी डॉक्टर ऋषभ जैन इसके लिए है, इसके लिए इसमें इलाज कर रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। बधाई हो आपको। Now we are going back to Nepal, and what I want to say to the people in the world is, if you have a problem like RP, retinitis pigmentosa, and color blindness, macular degeneration, amblyopia, so if you have this type of problems, and when all the doctors says that it's incurable, please at least you come here once and get experience. There is it's a very small amount. From the very smallest amount, you can see this beautiful world with everything's blossom and sunshine. Thank you very much, Doctor. People from India are so, helpful, but you made me organize all the hotels and things. With low budget, I could stay here for 15 days. So thank you so much for everything. And please, if you are suffering, come here, you'll see the world. Thank you. Congratulations to Prem ji. Thank you, Doctor. You have got a lot of improvement, and it will be maintained and improved further with the course. I'll be back in 60 days. When you come here, I will pray to God you will get 100% vision. I will. Definitely, I'll be here after 60 days. Thank you. At the conclusion, what I really want to include is, if you want to see the beautiful world. देश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।